न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम आज पढ़ने वाले हैं बिर्जे वीटा मेथड। इस मेथड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसका सलूशन हमें कैसे निकालना है, दोनों बातें आपको अच्छे से सीखना है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एस क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, दैट इज नियर वन, दैट इज नियर वन। एक रूट ऐसे निकालना है जो वन के करीब हो। यूजिंग बिर्जे वीटा मेथड करेक्ट टू फोर डिसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू फोर प्लेसेस ऑफ डिसिमल। यहाँ पर आपको एफ ऑफ एस की वैल्यू दिया गया है। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एस की वैल्यू है एस क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी, ठीक है। एफ ऑफ एस की वैल्यू है एस क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी। तो इसके जो कोफिशियंट है, जैसे एस क्यूब का कोफिशियंट यहाँ वन है, ठीक है, एस स्क्वायर का टू है, एक्स का टेन है और कांस्टेंट ऑफ माइनस ट्वेंटी है। ये जो कोफिशियंट है इसको आपको लिखना है पहले, और स्टार्टिंग करने के लिए एकदम शुरुआत के लिए आर जीरो की वैल्यू आप वन लोगे। ये हर क्वेश्चन में लेना है आर जीरो इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसके जो कोफिशियंट हैं वन टू टेन माइनस ट्वेंटी, ये हमने लिख दिया। इस वन से आपको डिवाइड करना है, इस डिवीजन को हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन, हिंदी में सांश्लेषिक विभाजन। इस वन से डिवाइड करना है। मैं आप लोगों को डिवाइड करना सिखाता हूँ अच्छे से, है ना, आप सीख जाओगे, बहुत ही ईजी है। किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं ये देखिए, मैंने आपको कहा है इसका जो कोफिशियंट है उसको लिख लीजिए, वन है, टू है, टेन है, माइनस ट्वेंटी। क्वेश्चन को देखकर कोफिशियंट लिख लीजिए। आपको वन से डिवाइड करना है, वन से। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ये वन नीचे आ जाएगा। अगर ये कोफिशियंट वन ना होके कोई दूसरा होता तो वो भी आप नीचे ही लिखते। हो सकता है एस क्यू का कोफिशियंट यहाँ पे फाइव होता, यहाँ फाइव आ जाता। अब ये जो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ये वन नीचे आया, इस वन का मल्टीप्लाई इससे आप करोगे, इस वन से। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वन आएगा। जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे तो वन इंटू वन, वन आया, यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे थ्री आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री होगा। अब यहाँ जो आंसर आया फिर से इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे तो थ्री इंटू वन थ्री हुआ। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा थर्टीन। अब यहाँ जो आंसर आया फिर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो थर्टीन इंटू वन थर्टीन हुआ। और माइनस ट्वेंटी और थर्टीन को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस सेवन। इस प्रकार से आपको सिंथेटिक डिवीजन समझ में आना चाहिए। तो ये हमने कर दिया। तो ये जो लास्ट वैल्यू जो आया है इसी को हम बी एन कहते हैं, लास्ट वैल्यू को हम बी एन कहेंगे, ठीक है। फार्मूला में जरूरत पड़ेगा तो बी एन की वैल्यू हुआ माइनस सेवन। अगेन आपको वन से फिर से डिवाइड करना है एक बार और, ये माइनस सेवन को बाहर करते हैं, बी एन की वैल्यू मिल चुका है। फिर से हम इस वन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है तो वन नीचे आ जाएगा। वन इंटू वन, ये जो वन है ये नीचे आया है ना, वन वन इंटू वन करेंगे, ये जो वन है इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू वन वन हुआ। यहाँ आप लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, थ्री और वन को होते यहाँ फोर आएगा। फोर इंटू वन, फोर इंटू वन करोगे फोर होगा, इन दोनों को प्लस करोगे यहाँ आएगा सेवनटीन। इसको आप बोलोगे बी एन माइनस वन, तो बी एन की वैल्यू मिल गया, बी एन माइनस वन की वैल्यू मिल गया, ये नहीं सी एन माइनस वन, सॉरी सी एन माइनस वन बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी एन माइनस वन, इसको बी एन बोलते हैं, इसको सी एन माइनस वन। तो सी एन माइनस वन की वैल्यू ये सेवनटीन आपको मिल गया। अब हमारे पास आर वन का एक फार्मूला होता है, आर वन इक्वल होता है आर जीरो माइनस बी एन अपॉन सी एन माइनस वन। तो आर जीरो की वैल्यू हमने वन एग्जूम किया था, ये वन एग्जूम किया था, ये रख दिए। आर बी एन की वैल्यू माइनस सेवन आया है, सी एन माइनस वन की वैल्यू सेवनटीन आया है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आर वन की वैल्यू आ रहा है 1.4118। आर वन की वैल्यू मिल गया 1.4118। मैंने आपको कहा था इसको स्टार्ट करने के लिए आर जीरो इक्वल टू वन आपको एग्जूम करना है, हर क्वेश्चन में वन ही एग्जूम आप करोगे, ठीक है। फिर सिंथेटिक डिवीजन जो मैंने आपको बताया
उस मेथड का यूज़ करोगे, बी एन और सी एन माइनस वन की वैल्यू निकालना है। बी एन की वैल्यू माइनस सेवन आया, सी एन माइनस वन सेवनटीन आया, इस फार्मूला में रख दोगे तो आपको आर वन मिल गया, आर वन की वैल्यू आ गया है 1.4118। अब आर वन से डिवाइड करना पड़ेगा, आर जीरो की वैल्यू वन था तो आपने वन से डिवाइड किया था। ये 1, 2, 10, -20 ये कोफिशियंट है, ये जो पॉलीनोमियल है इसके कोफिशियंट है जी। आपने वन से डिवाइड किया था क्योंकि आर जीरो इक्वल टू वन लिया था, आपने लिखा है लेट अस टेक आर जीरो इक्वल टू वन। अब आपको आर वन की वैल्यू मिल चुका है 1.4118, तो आपको अब आर वन से डिवाइड करना है। ये लीजिए आर वन से हम डिवाइड करेंगे, मतलब 1.4118 से डिवाइड करेंगे। सेम वैसे ही सिंथेटिजन मेथड यूज़ करोगे, ये वन यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, वन नीचे आएगा, वन का मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दोगे, फिर इन दोनों को प्लस करोगे ये आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे, इनका मल्टीप्लाई जब इनके साथ करेंगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे ये आंसर आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख दोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये मिलेगा बी एन का वैल्यू। एक बार फिर से डिवाइड करना है 1.4118 से, ये जो वन है इसको नीचे लिख दोगे, इस वन का मल्टीप्लाई इनसे करोगे जो आंसर आएगा यहाँ आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे यहाँ आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई फिर इनके साथ होगा, इनके मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे ये आएगा, ये आपका सी एन माइनस वन मिल गया, बी एन और सी एन माइनस वन मिल गया। फिर आप आर टू निकाल लीजिए, जैसे आपने आर वन निकाला था, ये फार्मूला यही रहेगा सेम। यहाँ जब आर टू लिखोगे तो यहाँ आर वन लिखोगे, यहाँ आर थ्री लिखोगे तो यहाँ आर टू लिखोगे, यहाँ आर फोर लिखोगे तो यहाँ आर थ्री लिखोगे, लेकिन फार्मूला यही रहेगा। अब आपको आर टू निकाल लेना है, ये बी एन के वैल्यू मिल चुका है, सी एन माइनस वन के वैल्यू मिल चुका है, इस प्रकार से आपको आर टू के वैल्यू मिल जाएगा, ये आया 1.3693। अब आपको 1.3693 से डिवाइड करना है, फिर से सिंथेटिजन मेथड यूज करना है, फिर से बी एन और सी एन में सी एन माइनस वन की वैल्यू निकालना है। ये वन है ये नीचे आ जाएगा, वन का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आएगा, इनके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आएगा, फिर इनका और इनका मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे ये आंसर आया, इसको आप बी एन बोलोगे। अगेन आपको 1.3693 से फिर से डिवाइड करना है, ये वन नीचे आ जाएगा, इस वन का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा, इनके साथ इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आया, ये आपका सी एन माइनस वन हो गया। अब आपको आर थ्री निकालना है फार्मूला से, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, इस फार्मूला से आपको आर थ्री की वैल्यू मिल जाएगा, 1.3688 मिला। फिर 1.3688 से डिवाइड करोगे, सिंथेटिजन मेथड फिर से यूज करोगे 1.3688 से, वही जो हमने बताया था, ये वन नीचे आ जाएगा, इनके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे ये आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे फिर ये आएगा, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, और इन दोनों को प्लस करोगे ये आंसर आएगा, बी एन वैल्यू मिल गया। अगेन 1.3688 से फिर से डिवाइड करोगे तो आपको सी एन माइनस वन वैल्यू मिलेगा, बी एन और सी एन माइनस वन की वैल्यू रख दोगे तो आपको मिल जाएगा आर फोर की वैल्यू, आर फोर की वैल्यू आ रहा है 1.3688। आप देख रहे हो आर थ्री की वैल्यू 1.3688 आया था, आर फोर का वैल्यू भी 1.3688 आ रहा है। देखो आर थ्री की वैल्यू क्या आया था 1.3688, आर फोर की वैल्यू भी 1.3688 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि आर थ्री और आर फोर दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं अप टू फोर डिसिमल प्लेसेस, तो आपका आंसर होगा 1.3688। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एस क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू जीरो यूजिंग बिर्जे वीटा मेथड। आर जीरो इक्वल टू दिया है 2, आर जीरो इक्वल टू आपको दे दिया है, आपको बिर्जे वीटा मेथड का यूज करना है और
आपको इसका रूट फाइंड आउट करना है। अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने आर जीरो इज इक्वल टू वन लिया था, क्यों लिया था मैं बताया था। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा हुआ था दैट इज नियर वन, दैट इज नियर क्या लिखा था, वन, वन के करीब, इसी कारण आर जीरो को लो वन लिया था, है ना, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आर जीरो को लो टू दिया गया है, तो आप आर जीरो को लो टू ही लोगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बीजे बेटा मैसेज से सॉल्व कीजिए। कभी कभी आर जीरो ना बोल के पी लिख देता है, आर जीरो को पी लिख देगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे टेकिंग पी इक्वल टू 0.5, पी मतलब वही आर जीरो है, आर जीरो को यहाँ पी बोल दिया, तो 0.5 वही हमारा आर जीरो है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा बीजगणित मेथड से, इसमें बीजगणित मेथड से करना है। यहाँ पे आर जीरो को लेना है 3.5। तो तीन क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, तीनों क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर वन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर टू ये है, और एक क्वेश्चन नंबर थ्री है। तीनों तीन क्वेश्चन हैं, आप इसे कंप्लीट कीजिए और आंसर लाइए।